Alright, so what's up everybody, welcome back to my channel. This is Sal Sarkar is back with another new day, another new vlog. और आज का दिन सुबह सुबह स्टार्ट हुआ है इंजेक्ट करके नहीं, बॉडी से खून चूसा गया है. सो एक्चुअली मुझे काइंड ऑफ अ मॉर्निंग एलर्जी या फिर कहे तो वेदर चेंज एलर्जी का मतलब कि वो सिम्टम्स है. सिम्टम्स बोले तो उतना कुछ इतना ज्यादा डेंजरस नहीं, बस भयानक स्नीज अटैक आता है जब भी वेदर चेंज होता है या फिर कहो तो मॉर्निंग, स्पेशली इन मॉर्निंग. कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि पहले वाला दिन एक मॉडरेट वेदर था, उतना ठंडा भी नहीं उतना गर्म भी नहीं, और नेक्स्ट वाला दिन अचानक से भयानक बारिश हो गया, वेदर ड्रास्टिकली चेंज हो गया, तो मेरा ग्राफ भी एलर्जी का ग्राफ है वो ड्रास्टिकली अबव जाता है. तो उससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर दिखा रहा हूँ एंड दो हफ्ता का मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद ही सेड दैट ये सब टेस्ट करना पड़ेगा एंड टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो दो दिन बाद आने वाला है, फिर वापस डॉक्टर के पास जाएंगे. पता नहीं अब डॉक्टर क्या सुनाने वाला है. जिंदगी में भसड़ तो मची हुई है पर इसी के साथ चलते जा रहे हैं. तो चलो ये ब्लॉग का शुरुआत भी करते हैं और दिन की शुरुआत भी करते हैं क्योंकि राइट नाउ इट्स 11 और खाली पेट टेस्ट करना था. तो अभी तक मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं खाया, अभी खाना खाएंगे और वापस काम करेंगे. तो अभी आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, पोहा और एग्स तैयार हो रहे हैं. ऑलराइट, सो मैं अभी नहा के निकल चुका हूँ. इतना देर में पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मैंने अब दो कॉलेज में अप्लाई कर दिया है. एक है सेंट जेवियर्स का जो कि एग्जाम होने वाला है मेरा 13th of August को, और जय हिंद कॉलेज में भी मैंने अप्लाई किया है. दोनों ही कॉलेज एंट्रेंस ले रही है इस बार, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. सो अभी नहा के निकला, इट्स 2 PM और मैं फटाक से मुझे एक रील से ब्रांड प्रमोशन करना है विच इज वाओ के लिए. सो मैं फटाफट वो कर लेता हूँ और आज लंच करने जा रहे हैं बाहर क्योंकि आज संडे है तो मन करता है बाहर खाने का, तो इसीलिए बाहर जाएंगे फटाफट मी मॉम डैड. लेकिन उससे पहले काम कंप्लीट करते हैं, लेट्स डू इट. सर मैं गया था छत पे एंड वहां से फटाफट इसका सिनेमैटिक लिया एंड अभी बताते हैं रील, उसके बाद पैकअप करके जाएंगे बाहर खाने क्योंकि बारिश पता नहीं आने वाला है कि नहीं आने वाला. सो फटाफट रेस्टोरेंट जी पहुंचना है, सुबह ना लेते हैं, लेट्स गो. Great success. Alright. So बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डील था एंड इट्स डन. सो मैं अभी इसको यहाँ प्रमोशन तो नहीं कर सकता. इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गो फॉलो मी, आपको इसका रील का प्रमोशन भी दिख जाएगा और अगर आपको भी अच्छा लगे तो बाय कर लेना, या थोड़ा बच गया एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में. एनीवेज, सो अभी जाते हैं फटाफट, निकलते हैं रेस्टोरेंट के लिए बिकॉज भूख भी बहुत लग रही है और बाहर का वेदर देख लो, बाहर का वेदर कुछ ऐसा है. तो अभी मैं जो हूँ मैं टोटो लेके वो रेस्टोरेंट जा रहा हूँ और मेरे पापा मम्मी जो है वो बाइक पे आ रहे हैं. मैं बाइक पे इसीलिए नहीं जा पा रहा हूँ, एक तो तीनों अब बाइक पे ऐसे अड़ते नहीं हैं और कल मैंने मारा था लेग्स क्योंकि सैटरडे को मेरा रहता है लेग्स, और अभी जो जहांग में जो दर्द है ओ माय गॉड, मैं फ्लेक्स करके बैठ ही नहीं सकता बाइक पे और वो भी तीन जन तो कदा ही नहीं. तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ टोटो पे और जी ये टोटो मिल गया. ये तुम्हारा समाज पड़ा है थाना मोड़, चलो तभी टोटो मिल गया. अब हम जाएंगे, सबसे पहले पहुंच जाएंगे, पापा मम्मी पीछे पीछे आएंगे. रेस्टोरेंट जा रहे वो यूजुअली कोई अलग स्टाइल का रेस्टोरेंट नहीं है, एकदम देसी प्रॉपर ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट है क्योंकि मेरे पापा को ज़्यादा चटाकेदार खाना पसंद नहीं रहता. उनको नॉर्मल जो बंगाली फूड्स है वो सभी खाना पसंद है, तो इसीलिए आज वही जा रहे हैं और कोई नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या फिर कॉन्टिनेंटल वगैरह नहीं ट्राई करेंगे, नॉर्मल देसी इंडियन फूड. एंड अब देखते हैं मुझे क्या खाना है, लेट्स सी. तो अभी जाते जाते एक पोपट हो गया, मैं घर से निकला, आप देख रहे थे मैं ब्लॉग कर रहा था लेकिन मैंने मास्क पहनना ही भूल गया. मैं आधी रास्ता ऐसे ऐसे आ रहा हूँ और मुझे एक पुलिस कांस्टेबल ने ऐसे देखा क्योंकि मेरा मुँह में मास्क नहीं था. मैं ऐसा किया ओ फक मेरे पास मास्क ही नहीं है, फटाफट रुका भैया ने रुका, फिर मैंने मास्क लिया और ये मास्क काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, इसमें लग नहीं रहा है ये पूरा एकदम
स्पॉन्ज और रबर का बना हुआ है, तो बड़ा सही मास्क मिला मुझे 10 रुपए में। One eternity later. तो गाइस हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट और प्रैंक हो चुका है। अभी हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि लाइक हमें जो ढाबा पे खाना था, खाना मम्मी और पापा को जो ढाबा पे खाना लाइक खाना था, और उनको एक लाइक स्पेशल बंगाली में बहुत फेमस है वो मच्छी इलिश माछ, तो उन लोगों को वो स्पेशली वो होटल पे जलपाईगुड़ी में वो होटल पे बहुत ही बढ़िया इलिश माछ मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज होटल हम लोग पहुँचे और पूरा रेस्टोरेंट बंद था। पूछा गया तो क्यों बोल रहे हैं कि अभी वर्कर्स लोग को छुट्टी दिया गया है एक दिन का, तो पूरा प्लान चौपट हो चुका है। अब उनको इलिश माछ तो मिला नहीं, तो अभी घर के लिए 2 प्लेट मटन बिरयानी पैक हुआ है और मेरे लिए चिकन बिरयानी पैक हुआ है। तो घूम फिर के बस एक राउंड लगे घर जा रहे। सो ये रहा, घूम फिर के बाहर से आए और बिरयानी लेके आए, चिकन बिरयानी। बापरे बहुत से चिकन के पीसेस मिले आज। और मैं लास्ट बिरयानी खाया था जून के लास्ट वीक पे, जून के लास्ट वीक पे, और आज अगस्त का 8 तारीख है और मैं उस कितना दिन बाद बिरयानी खा रहा हूँ, मुझे पानी निकल रहा है। ओ भाई हाँ हाँ हाँ, बंगाली कंटेंट क्रिएटर है लेजी बॉन्ग बोल के कोलकाता का, वो फूड ब्लॉग करते हैं और उसके स्टाइल में मैं खाऊँगा बिरयानी। सॉरी দীপ্তদা যদি আপনাকে খারাপ লাগে, আপনাকে কপি করছি আমি এটা না। এই যে একটু নিলাম আলু, আলু ইজ লাভ গাইস, আলু ইজ লাভ। বিরিয়ানি আলু ছাড়া মানে আলু ফুটকে নিলাম ভাতের সাথে। আসছে আসছে, দাঁড়াও। অসাধারণ গাইস, অসাধারণ খেতে। हम लोग जा रहे हैं वही गैंग आज ऐसे ही राइड पे, राइट नाउ इट्स 7:30 इन द इवनिंग, और बाहर सब आए हैं, प्रक्षित, लव, सिमरन, हेमंत, कुशल, तो अभी जा रहे मस्ती ऑन। हाय सिमरन, साहिल का ब्लॉग चल रहा है, कैसे कर अपना एक्सपीरियंस? हेलो गाइस, वी आर बैक। हम लोग अपने टूर के लिए आ गए हैं, हम लोग आएंगे अभी यहाँ से दार्जिलिंग, रात का प्लान है हम लोग सबको दार्जिलिंग जाने का। यहाँ पर कुशल है उसका दोस्त मतलब, और एक वहाँ देखिए हम लोग सब अभी दार्जिलिंग जाएंगे, दार्जिलिंग जाकर नाइट स्टे करेंगे, नाइट स्टे के बाद सब अपना अपना मजा आएगा। साहिल हाँ गाइस, हमें अवार्ड मिला है, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी ये लास्ट एक साल में, इसलिए हमें प्राइज मिलेगा, मिल चुका है अभी। पैसा मिला क्या? रुपया मिला क्या? पैसा नहीं मिला उसमें, थोड़ी कंजूसी की गई है वहाँ पर। गिफ्ट में क्या मिला? हाँ वो मिला, तोहफा मिला। ये तब होता जब शैम्पू करके निकलो गाइस, जिस दिन शैम्पू किया जाएगा उस दिन धूल की डैश डैश हो जाएगी, बालों की डैश डैश की बात है। और अभी साइंस भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो उठा लिया एक टिकट की। Back to main host, अब love shift हो गया। Yeah guys, welcome back. Hello guys. UP का गुंडा लग रहा है कट्टा से। अरे मेरा mask ही उड़ गया है हाईवे में, mask उड़ गया मेरा बहन। हम ऐसे भगाया mask निकल गया और रास्ते में गायब। तभी हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रात के भी बच चुके हैं, आज क्रॉस हो गया। किसी के घर जाएंगे guys, किसी के घर जाएंगे आज। आज जाएंगे किसी के घर। हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन
लेके ये ले जा रहे हैं हमको। यस लेट्स गो बोलबम बोलबम उल्टा रास्ता जा रहा है बोलबम बोल के बोलबम बोल के। और यहाँ पे गौ माता ये देखो सिंपल क्या बोला आएगा ना ये। सॉरी मैं करूंगा व्लॉग को। वाओ क्या टाइमिंग है, कितना घोड़ा लग रहा है। एनीवेज तो अभी हम लोग करेंगे व्लॉग को यही समाप्त, क्योंकि अभी बज चुका है 8:30 और पता नहीं अभी सीधा कहाँ जाना है। मैं तो घर जाके एडिटिंग करूंगा फिर व्लॉग को अपलोड करना है। सो विद दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर, घंटी बजाओ और जो करना है करो सब्सक्राइब बटन के साथ। लेकिन सब्सक्राइब नहीं चाहिए क्योंकि ये मंथ के एंड तक मुझे 550 चाहिए। यस गाइस 550 एकदम कड़क माल। एनीवेज तो मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।